सदियों से चलती आ रही है कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों से कुछ लोगों को आज के दिन नुकसान भी हुआ है तो कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम धनतेरस के दिन BBS आदर्श विद्यापीठ विद्यालय के प्रांगण में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर हम इसलिए पहुँच गए हैं कि इस विद्यालय के प्रबंधक ने एक अपराध कर दिया है, और अपराध भी ऐसा अपराध कि शायद बहुत से लोग जो हैं उनको क्षमा भी नहीं करेंगे। अब सवाल बनता यह है कि वह अपराध क्या है। तो अपराध यह है कि आज धनतेरस के दिन है, और धनतेरस के दिन हम पहुंच गए हैं मोतीपुर के BBS आदर्श विद्यापीठ विद्यालय के प्रांगण में। और यहाँ इसलिए पहुँचे हुए हैं कि हमें जानकारी मिली कि आज के दिन बहुत सारे लोग धन बांटते नहीं हैं, और धन इसलिए नहीं बांटते हैं कि उनका धन जो है कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पर जो है आज के दिन ही धन बांटा जा रहा है, यानी धन जिनको जिनको पैसा देना है, कर्जदार लोग हो या फिर प्रोत्साहन राशि हो, उनको आज दिया जा रहा है। और इस पर चर्चा हमारे यहाँ के प्रबंधक से होगा। उससे पहले जो है आपकी अनुशासन से भरपूर यह विद्यालय का ये बाहरी भाग है, और यहाँ पर एक सुरक्षा कर्मी भी हैं। और सुरक्षा कर्मी इसलिए हैं कि बच्चे जो भी आते हों या जाते हों उनको किसी तरह का आहत न पहुँचे सड़क से। और हम अंदर की सीन भी दिखाएंगे, अंदर की सीन भी हम दिखाएंगे और सारी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इधर आ जाइए, एक कदम स्वच्छता की ओर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और महान प्रबुद्ध लोगों की तस्वीरें भी हैं इसी विद्यालय के अंदर में। छोटे नन्हों के सामने जय महाभवानी महाराणा प्रताप की यहाँ एक तस्वीर लगी हुई है। तुलसी का पौधा भी है, और तुलसी का पौधा भी हमें कुछ देता है। क्या क्या देता है वो तो हम बताएंगे। सबसे पहली चीज़ यह है कि ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं, और इस कार्य को उस मुजरिम से मिलाने जा रहे हैं जिसने धर्म और रीति रिवाज का उल्लंघन कर दिया है। और ये उनका चेंबर है, ऑफिस है। हालांकि यहाँ पर सभी लोग अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं, और सर हैं हमारे सामने, और आज हमारी कड़ी बहस होगी इनके साथ। और इसलिए होगी कि वर्षों पुरानी रीति रिवाजों को इन्होंने तोड़ा है, और कोई भी चीज़ तोड़ना एक अपराध है। तो सर, हम आपसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि वर्षों से सदियों से चलते चली आ रही है धनतेरस, और धनतेरस पर लोग कहता है कि हम धन नहीं देंगे, हमारा धन घट जाएगा, आप इस नियम को क्यों तोड़े हैं, धन क्यों लोगों को दे रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल वाले तमाम पत्रकार महोदय, तमाम हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिका, सभी लोगों को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना है कि पुराने ज़माने से जो मान्यता, जिस प्रकार से एक कुरीति इसको कहा जा सकता है, कि धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन कोई किसी को, जो गाँव में ऐसा लगता है, कोई किसी को नहीं देते हैं, जबकि ये विद्यालय है, ठीक है, और विद्यालय में सिखाया जाता है। शिक्षा जहाँ से ये संस्था है उसमें आपको ये दे करके लोगों में एक प्रकार का शिक्षा जी शिक्षा दिया जा रहा है कि इससे भी ये कुरीति खत्म हो जाए जी। धनतेरस के दिन ही पैसा देना हो, मिठाई देना हो, या पूजा की बहुत सारा सामग्री देना हो, ये देने से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, ठीक है। लोग ये बात देखते हैं कि अगर सर हैं स्कूल के तरफ से ऐसा मिला है तो इस कुरीति को हम लोग को भी ख़त्म करनी चाहिए। और हमें लगता है कि धनतेरस के दिन अगर धन को बांटा जाए, ठीक है, तो अधिक से अधिक धन मिलता है। कैसे मिलता है? ये तो एक आस्था का चीज़ है, और आस्था को हम बिल्कुल सामने तो बताएंगे नहीं, उसको हम लोग अपना अनुभव कर सकते हैं। सर, एक और सवाल है आपसे हमारा कि आज धनतेरस के दिन, यानी परिस्थिति इंसान के साथ कभी भी आ सकता है, उसके लिए कोई तेरस वरस नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई बीमार पड़ जाए और किसी से कर्ज मांगने जाए तो लोग उसे कर्ज नहीं देते हैं, ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति मर भी सकता है, यानी एक जीवन जा भी सकती है।
और ऐसे सोचने वाले की संख्या हमारे देश में गिनती नहीं कर सकते हैं कितने लोग हो सकते हैं। वैसे लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मदद करने से धन नहीं घटता है। धनतेरस के दिन भी? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक चीज और है, हम तो करते एक चीज और है सर जी, ये जो तस्वीर है पीछे क्या रहा छुपा हुआ? बचपन से ही हमारी लालसा थी फौज में जाना, और हमने NCC ABC तीनों कंप्लीट किया, और खेल में भी अच्छा मुकाम तक हमने पहुंचा, और बहुत ही ललक थी कि काश हम भी एक फौजी हो, है ना। अथक प्रयास होने के बाद भी हम फौज में नहीं जा पाए, और आज स्कूल चला रहे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ। ये लोग कौन हैं? सभी लोग शिक्षक हैं। यानी आपने एक फौज यही तैयार कर दिया? नहीं कहा जा सकता है ना, फौज में नहीं गए, अपना फौज जो है स्वयं जो है बना लिए। देखे हैं और हमारे कैमरे पे जो दर्शक देखेंगे वो लोग जो है लगभग लगभग प्राइवेट विद्यालय में भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं खुद के लिए। जैसे एक प्रसंग हमको याद है, अकबर और महाराणा प्रताप में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो अकबर के पास लाखों सेना और महाराणा प्रताप के पास मात्र 16,000 सेना, ठीक है। उसके बावजूद भी अकबर को छक्का छोड़ा दिया गया महाराणा प्रताप द्वारा। तो एक विद्वान ये क्वेश्चन किए कि आखिर क्या कारण है कि इतना कम संख्या में महाराणा प्रताप जी इस पे भारी पड़ रहे हैं। इसका एक ही कारण था, वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनका सेना जीत रहा था। इसी प्रकार से हम आज के डेट में अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक अगर चलाते हैं और वहाँ की व्यवस्था देते हैं, अनुशासन देते हैं, तो उनका अपना है, उनको लगता है कि ये निजी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कल के डेट में पेमेंट हमें नहीं आएगी, हमारा अच्छा संदेश नहीं जाएगा, बच्चा हमारा डेवलप नहीं करेगा, तो कल हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन सरकारी स्कूल में दुर्भाग्य है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर बैठे भी है तो हमारा पैसा तो बनेगा ही बनेगा, ये मूलभूत कारण है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जिम्मेवारी जो उनके कंधे पर है। हाँ, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, आखिर हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, है ना, नमन करते हैं अपने गुरु को नमन करते हैं, और आज भी सरकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कमी नहीं है, लेकिन अब अंदर एक ही बात बोले हैं कि देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमारा स्कूल है, हमारी ये संस्था है और हमें इसको इस तरह से सजा के रखना हो, तो जरूर करेंगे। सर एक और सवाल यह है कि सरकार ने एक नियम पारित किया है, प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय को लगभग 25% संख्या के आधार पर BPL धारी यानी निःशुल्क बच्चे को भी शिक्षित बनाना है, तो क्या इस रूल को अपने यहाँ फॉलो किया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 25% है बच्चे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई शुल्क गरीबी रेखा से नीचे वाले को तो पढ़ाते ही हैं, और सबसे बड़ी बात ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि वैसे बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं और हमारे विद्यालय में हैं, उनका पैसा हम नहीं लेते हैं। तो इसकी संख्या सीमित है कि असीमित है? ये तो अब करीबन अनाथ बच्चे, उनको बोलेंगे अनाथ जी? अनाथ नहीं, जिनके मम्मी हैं घर पे, दादाजी हैं, लेकिन पैसे देने वाले नहीं हैं, अब चूंकि कमाने वाले नहीं रहे, ट्रांसपोर्टिंग क्या है, अगर वो गाड़ी से बच्चे आ रहे हैं तो गाड़ी का हमको देना पड़ेगा, लेकिन हम फी नहीं लेते हैं। जी मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह है, और मैं BBS आदर्श विद्यापीठ का संचालक डायरेक्टर हूँ, और मेरी वाइफ को डायरेक्टर है। अभी आपने हमारे कैमरे पर देखा, और हम इस चीज़ को दिखाने जा रहे हैं कि वर्तमान मीडिया कर्मी जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं और सरकारी विद्यालय के कुरीतियों को दिखाते हैं, हालांकि वो लोग प्राइवेट विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, उनको वहां भी पहुंचना चाहिए। और आज हम एक यही के प्राइवेट विद्यालय में पहुँचे हैं और पूरी व्यवस्था को दिखाए हैं, हालांकि यहाँ बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन पर बहुत कम खर्चे, एक बच्चे का फीस ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 के आसपास में है, सरकारी विद्यालय में एक बच्चे पर कम से कम 500 रुपया पड़ रहा है, इसके पश्चात भी जो है उन्हें सही शिक्षा, उत्तीर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। आप इस विद्यालय और इसको वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE News बिहार, धर्मचंद यादव।